नमस्कार, मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। आज मैं बात करने वाली हूँ 24 दिसंबर को हुई OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज अतरंगी रे के बारे में। अतरंगी रे ने पहले ही दिन काफ़ी नाम कमाया। सबसे ज़्यादा व्यू की गई मूवी अतरंगी रे साबित हुई अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब के बाद सबसे ज़्यादा व्यू की गई ऑन रिलीजिंग डेट मूवी अतरंगी रे थी। लेकिन उसके बाद एक हफ्ते तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अतरंगी रे को मिला था, लेकिन एक हफ्ते बाद नेटिजन्स ने उसको बॉयकॉट करने का हैशटैग चलाया। जी हाँ, आज के टाइम पर ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट अतरंगी रे ट्रेंड पर चल रहा है। तो क्यों चल रहा है, इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। इसलिए क्योंकि इस मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से हिंदू को बुरा बताया जा रहा है और वही मुस्लिम को अच्छा दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं अतरंगी रे में जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। व्यूअर्स हैं जो हिंदू हैं, उनको ये मूवी सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इस मूवी में जिस तरीके से हिंदू धर्म को नीचे गिराया गया है वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको भी पता चलेगा कि क्यों अतरंगी रे बॉयकॉट होने जा रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो बैन की जाएगी या नहीं, लेकिन हैशटैग बॉयकॉट अतरंगी रे ट्रेंड चलाया गया है, जिसके बाद अब काफ़ी लोग चाहते हैं अतरंगी रे बॉयकॉट हो जाए। तो इसका जो पहला रीज़न है वो है कि हिंदू को काफ़ी बुरा, एक बुरे एस्पेक्ट के तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदू फैमिली एक हिंदू डॉटर को, अपनी ही लड़की को फोर्सफुली शादी करने के लिए बोलती है। मूवी में एक ऐसी क्लिप है जिसमें सारा अली खान हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलती नजर आई है। हनुमान जी का प्रसाद समझे, जो कोई यो हाथ फैलाएगा और हम मिल जाएंगे। शिव जी का धतूरा है हम, मम्मी कसम, मुंह से जाएंगे तो पिछवाड़े से निकलेंगे। गालियों के साथ हनुमान जी का नाम लेना, ऐसी कई बातें शिव जी के ऊपर हो, हनुमान जी के बारे में हो या भगवत गीता के बारे में, वो बोल तो रही है बट उसी के साथ साथ गालियों का भी पूरा प्रयोग किया जा रहा है। इसी बात पर लोग काफ़ी गुस्सा हैं और इस मूवी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। रिंकू प्यार करती है साजिद अली से, जहां पे लोग ये बात उठा रहे हैं कि वो मूवी लव जिहाद को प्रमोट कर रही है, हिंदू को नीचा दिखा रही है, लव जिहाद को प्रमोट कर रही है, ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जिससे मूवी को बॉयकॉट करने की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ रिंकू अपने ही हस्बैंड को छोड़ने की बात कर रही हैं। तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में हिंदू को इतना बुरा तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक शादीशुदा लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए अपने ही पति को छोड़ देती है। लेकिन नेटिजन्स ये कह रहे हैं कि ऐसा रियल वर्ल्ड में जल्दी एग्जिस्ट नहीं करता है जिस तरीके से मूवी पोर्ट्रे कर रही है। काफ़ी अच्छी बातें भी मूवी में ज़रूर दिखाई गई हैं भगवान को लेके, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो धनुष हो, लेकिन उसी के जगह कई बार भगवान का नाम लेकर गालियां बकी गई हैं। इस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली लोग काफ़ी गुस्से में हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान होना कब बंद होगा, स्पेशली बॉलीवुड के द्वारा? मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ कर विनती है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। जबकि एक हफ्ते तक मूवी अतरंगी रे का जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। बताया जा रहा था लक्ष्मी बॉम्ब के बाद ये एक ऐसी मूवी है जो 24 दिसंबर को रिलीज़ हुई और उसी दिन सबसे ज़्यादा वॉच की गई है। OTT प्लेटफॉर्म पर लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। व्यूअर्स के लिए ये मूवी गलत नहीं है, वो कह रहे हैं हैशटैग बॉयकॉट नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं नेटिजन्स कह रहे हैं कि उनको अभी धर्म और हिंदुज़म के बारे में यूथ को पता नहीं है, तो वो इस बारे में ना बोलें। लेकिन अब एक के बाद एक कर हैशटैग बॉयकॉट, हैशटैग अतरंगी रे के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब मूवी या बॉलीवुड इस सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है? काफ़ी पिक वायरल हो रही है ट्विटर पर। लोग पहले के समय में किस तरीके से गुरु शिष्य का रिलेशन होता है एक ट्रेडिशनल वे में, एक वो दिखाया जा रहा है, और वहीं आज बॉलीवुड में किस तरीके से गुरु शिष्य इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं वो भी बताया जा रहा है। तो आप ये फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इसे एडिट किया है और बताया है कि किस तरीके से पहले के टाइम पे शास्त्री हो, चाहे धर्म हो, चाहे हिंदुज़म हो,
लोगों को अपनी बात समझानी है वो किस तरीके से पहले के टाइम पे समझाया जाता था, लेकिन आज बॉलीवुड अपने ही तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है। क्या बॉलीवुड को आज इतनी आज़ादी मिल गई है वो कोई भी गलत काम हो या लव जिहाद हो या भगवान को बेइज्जत करना हो, वो सारे हक क्या बॉलीवुड ले चुका है या नहीं? लेकिन आज ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर बॉलीवुड को सब लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसी मूवी ज़रूर बैन हो जानी चाहिए। चाहे डायरेक्टर हो चाहे राइटर हो, दोनों ही ने काफ़ी सोच समझ के स्क्रिप्टिंग की थी या डायरेक्ट किया था, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था ये मूवी इस तरीके से पब्लिक में पोर्ट्रे की जाएगी। तो देखना ये है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट अतरंगी रे, क्या सच में मूवी बैन हो जाएगी या लोग उसे बॉयकॉट कर देंगे? इस खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। इससे आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या मूवी बॉयकॉट हुई है या नहीं। तो कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, द स्कूप बीट्स.com।